बच्चों हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे साइंस में। चैप्टर नंबर 4 हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम लोगों ने अभी तक किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, चेन स्ट्रक्चर कैसे बनता है और हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो कार्बन के कंपाउंड फॉर्म होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कम्बशन के बारे में, हिंदी में इसे दहन कहा जाता है। मीन्स अगर हम लोग किसी भी कार्बन या कार्बन के कंपाउंड को अगर हम लोग जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारे पास कार्बन है नॉर्मली मीन्स कोयला है, अगर हम लोग इसे बर्न करते हैं तो बर्न करने पर हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलती है और साथ में हीट एंड लाइट मिलती है, साथ में हीट एंड लाइट। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर आप लोग क्या करोगे, अगर मीथेन गैस को बर्न करोगे, यानी कि मीथेन CH4 होती है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब आप इसे बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बर्न होने के बाद क्या देगा हमें, CO2 देगा और साथ में वाटर देन हीट एंड लाइट। ठीक है, ये भी क्या देता है, हीट एंड लाइट हमें देता है। और क्या रिएक्शन हो सकती है, इसी तरीके से देखिए, अगर आप सोचो इथेनॉल को अगर आप बर्न करते हो C2H5OH, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसे आप जब बर्न करोगे तो ये भी हमें क्या देगा, CO2 देगा, साथ में H2O देगा और हीट एंड लाइट देगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी कंबशन रिएक्शन होते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कंबशन रिएक्शन क्या होती है और उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक चीज और बता देता हूँ कि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि कौन से हाइड्रोकार्बन जब हमारे जलते हैं, यानी कि जब वो बर्न होते हैं तो वो बिल्कुल ही ब्लू कलर की लाइट देते हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे तो जब वो जलते हैं तो किस तरीके की लाइट देते हैं, येलो कलर की फ्लेम देते हैं। ठीक है, और ल्यूमिनेस भी होती है, नॉन ल्यूमिनेस भी होती है, उस केस में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये रिएक्शन जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस तरीके से कौन सी हमारा हाइड्रोकार्बन है वो ब्लू कलर की फ्लेम देगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन येलो कलर की फ्लेम देगा। तो ब्लू कलर की जो फ्लेम देगा हाइड्रोकार्बन, देखिए जब भी अगर हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है हमारा, खाली सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड वाला मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो हमेशा क्या देगा, वो ब्लू कलर की फ्लेम देगा, इस चीज का ध्यान रखना। और ये जो फ्लेम होगी वो कैसी होगी, नॉन ल्यूमिनस होगी। नॉन ल्यूमिनस का मतलब है इसमें ज्यादा उजाला नहीं होता, जैसे गैस है, गैस जब जलता है तो उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो इस वजह से क्या होगा, ब्लू कलर की फ्लेम देता है। आपने देखा होगा कि जब गैस जलती है तो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, लेकिन उससे उजाला नहीं हो पाता है। ठीक है, मीन्स वो नॉन ल्यूमिनस होती है। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा, आपको पता ही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ये कैसे देता है लाइट, येलो कलर की लाइट देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो होता है नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है ना कि पूरी तरीके से वो कार्बन जो है वो बर्न नहीं हो पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा जलता है तो क्या कहता है, येलो कलर की लाइट देता है, साथ में राख भी देता है। मीन्स अगर आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती में क्या होता है, राख भी निकलता है। इसी तरीके से दिया जब आप देखते हो, दिए जब केरोसिन वाला दिया जब जलता है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी राख निकलता है और लालटेन में भी राख निकलता है। उस केस में क्या हुआ कि जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जब वो जलेगा तो क्या देगा, ल्यूमिनस फ्लेम देगा, यानी कि उजाला देता है, ल्यूमिनस फ्लेम देगा। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या, उजाला ही भी होता है, इसीलिए हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता, इसीलिए उसके अंदर से सूट भी निकलती है, मीन्स राख भी निकलती है। तो आप लोग इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसका आंसर इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया कंबशन के बारे में, मीन्स एक केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग देख लेते हैं हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे किसका नाम से ही है पता चल रहा है कि हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, आप ऑक्सीजन का एडिशन कराना है। आप लोग ध्यान करो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में बच्चों जो पढ़ा था तो वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ा था। ठीक है, तो वही ऑक्सीडेशन है, मीन्स हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, देखो अगर मान लिया कि मेरे पास इथेनॉल है, ठीक है, C2H5OH है मेरे पास, अगर मैं इसको ओपनली छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ओपनली छोड़ देता हूँ कुछ
टाइम के लिए तो क्या होगा, इथेनॉल जो है यानी कि अल्कोहल जो है उसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और साथ में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो प्रोसेस किस तरीके से होगी वो देखते हैं। वैसे तो अगर हम लोग नॉर्मली ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो ये प्रोसेस काफी लंबी जाएगी, ठीक है, यानी कि काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमें तुरंत ही क्या करना है, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाना है, तो उस केस में हम लोग एक दो रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दोनों रिएजेंट्स हमारे कौन से, देखिए सबसे पहले है एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4, इसको हम लोग बोलते हैं, KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और इसी की जगह पे हम लोग, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो दूसरी हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इन दोनों से अगर हम लोग, दोनों में से कोई सा भी रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल हो तो दोनों में से हम लोग कोई सा भी डाल देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये हमारे किस कलर का होता है, ये हमारा होता है ब्लू कलर का, आप वायलेट भी बोल सकते हो, ब्लूइश वायलेट कलर का होता है। और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये हमारा ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मीन्स इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है। यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेनॉइक एसिड में। एक चीज और, अब आपको चाहे तो अगर ये रिएक्शन करके दिखानी है कि किस तरीके से ये ऐड होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रिएक्शन होगी। जैसे कि बच्चों हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3CH2OH, ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगा तो कैसे, यानी कि O2 ऐड होगा, ठीक है। अब इस केस में देखो होगा क्या, हम लोगों ने स्प्लिटिंग सीखी है, यानी सबसे पहले ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। देखो अब यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन साथ में एक ऑक्सीजन को लेके क्या कर देंगे, यहां पे वाटर बना के अलग कर देंगे, ठीक है, H2O हमारा अलग हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, ये वाली जगह आके खाली हो गई, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा, यहां पे आके प्लेस कर लेगा, ठीक है। मींस अब देखो क्या करो, ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो क्योंकि ये दोनों तो वाटर बना के हट गए यहां से, ठीक है। अब इस वाले ऑक्सीजन को आप यहां पे लाके लगा दो, ठीक। अब देखो जरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH, यानी कि CH3COOH, इस तरीके से हमारा जो है वो इथेनॉइक एसिड के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और हम लोग एडिशन रिएक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलिए एडिशन रिएक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं। एडिशन रिएक्शन, जैसा कि इसका नाम से ही है कि इसमें क्या होगा, एडिशन होगा, लेकिन एडिशन होगा तो वही किस चीज का होगा, सारी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, वो देख लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक रिएक्शन का यूज करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जो हमारे पास जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको जब भी हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग किस में करेंगे, सेचुरेटेड में, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस तरीके से है हमारे पास ठीक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मींस हमारे पास मान लिया कि यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। एक चीज ध्यान रखना स्ट्रक्चर बनाते समय कि यहाँ पे जो है वैलेंसी हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए।
हमारे पास ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मींस एल्कीन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आर ग्रुप है बच्चों, आर ग्रुप को हम लोग CH3 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हर जगह पे अटैच है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास वेजिटेबल ऑयल आता है, तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर जब हम लोग निकल और पैलेडियम के केस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ना ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या हाइड्रोजन ऐड करा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आर ग्रुप जो थे वो उसे ऐड करा दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, और यही प्रोसेस जो है वो वेजिटेबल ऑयल से डालडा बनाने के लिए यूज करी जाती है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से डालडा बनाने के लिए यूज करी जाती है। और यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि निकल और पैलेडियम यहाँ पे क्या है, तो उस चीज का ध्यान रखना कि निकल और पैलेडियम जो है यहाँ पे वो कैटलिस्ट है, ठीक है, निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, मीन चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे निकल और पैलेडियम का हमें यूज करना पड़ता है, तभी हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे करा सकते हैं। तो एग्जाम में हमें एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि हमारी हेल्थ के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छा होता है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छा होता है, ठीक है। तो आप रीजन देंगे कि हमारी हेल्थ के लिए जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा वो मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दैट्स वाई ये इजिली हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और यही इसी जगह पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या करता है, ये बॉडी का लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए बॉडी में इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, ठीक है। अब हमारा हमने तीन टॉपिक कवर अप कर लिए, कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन, ठीक है, लास्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता है कि अगर हमारा कोई भी एल्केन है, मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अभी मैंने आपको बताया कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन एक केस होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर इन्हें रिएक्ट कराया जाता है क्लोरीन वगैरह से, यानी हेलोजन से, तो इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्या होगा कि हम लोग इसके अंदर क्लोरीन एडिशन कराएंगे तो बहुत आसानी से क्लोरीन ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl जो है वो अलग हट जाएगा। अब ये रिएक्शन भी कैसे प्रोसीड होती है उसको देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसा नाम है इसका सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह आके ले लेगा, तो ये हमारा मिथेन है, ठीक है, मीन CH4 है, यही सेम हम लोग एडिशन ही करा रहे हैं भाई। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ब्रेक डाउन होगा, एक क्लोरीन जो है यहाँ से HCl बना के क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है, HCl बना के उसने अलग कर दिया, दूसरा ये वाला क्लोरीन आके यहाँ पे जगह ले ला क्योंकि जगह तो वैकेंट हो गई, तो क्या करेगा यहाँ पे आके वो जगह ले लेगा, ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएगा, क्लोरोमिथेन बन जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो जो भी समझाया गया है आज के टॉपिक में, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद था वो था कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कार्बन के कंपाउंड किस तरीके से शो करते हैं, जिसमें हमने आज चार टॉपिक्स को कवर किया, कंबशन को, ऑक्सीडेशन को, एडिशन को और सब्स्टिट्यूशन को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।